आज हम डड्डू माजरा पिंड में आए हुए थे और यहाँ पे आमतौर पे हम दिन में आया करते थे रिजवान भाई की बिरयानी खाने, जो कि इसी रोड के ऊपर रेडी हुआ करती थी। तो बड़ी खुशी की बात है, हमारे रिजवान भाई की तरक्की हुई है और वो रेडी अभी बड़ी होके एक दुकान बन गई है। और ये दुकान को खुले अभी आई थिंक 10 दिन हुए हैं। और हम लास्ट टाइम जब इनके यहाँ पे खाने के लिए गए थे तो इन्होंने बताया था कि जल्दी हम लोग दुकान शुरू करने वाले हैं। तो फाइनली वो दुकान खुल गई है डड्डू माजरा पिंड में। तो अब आप इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो यार कि एक रेडी हुआ करती थी, ठीक है, वहाँ से इन्होंने अपनी शुरुआत की थी। और रिजवान भाई मेरठ से हैं और वहाँ के स्टाइल की जो है बिरयानी ये बनाते हैं। आमतौर पे पंजाब में जितनी भी जगह पे बिरयानी खाई है वो हैदराबादी या मुरादाबादी बिरयानी हमने खाई है, लेकिन ये लोग मेरठ का स्टाइल रखते हैं अपनी बिरयानी में, जो भी मसाला है या जो कि डिफरेंट होती है। तो इसी बात से आइडिया लगा सकते हो यार कि रेडी हुआ करती थी और अभी दुकान बन गई है, ठीक है। और हम कोशिश करेंगे कुछ लोगों से ही बात करने की। अभी देखिए इसको खुले हुए अभी 5-10 दिन हुए हैं और भीड़ देखिए आप कितने लोग यहाँ पर बिरयानी लेने के लिए खड़े हैं। तो भाई आपसे थोड़ी बात कर सकते हैं? जी जी। अच्छा, तो मैं ये पूछ रहा था कि आप फर्स्ट टाइम यहाँ की बिरयानी खा रहे हैं या पहले भी आपने खाई है? नहीं नहीं, पहले हम इनके रिजवान भाई की रेडी लगाते थे, उधर उधर बिरयानी खाते थे रेगुलर में भी और फैमिली के लिए भी अक्सर ले जाता था। अच्छा, तो अभी अभी आप फर्स्ट टाइम खा रहे हैं इस दुकान पे कि अभी पहले भी आए हैं? नहीं, जब से इन्होंने शुरुआत करी है तो रेडी पे छोड़ के मैं फैमिली के लिए भी खाना ले जाता रहता हूँ अक्सर। अच्छा। और अपनी बिरयानी यहाँ से खाता हूँ, रेगुलर बिरयानी खाता हूँ। और चिकन फ्राई तो इनके यहाँ की इतनी फेमस है सर, पूछे मत, आपको पूरे चंडीगढ़ में नहीं मिलेगी आप। अच्छा अच्छा, ये भी बता दीजिए, आप इतनी तारीफ कर रहे हैं कि रिजवान भाई ने आपको पैसे तो नहीं दिए इस तारीफ के लिए? नहीं नहीं, रिजवान भाई क्यों पैसे देंगे, हम उल्टे रिजवान भाई को पैसे देंगे सामान के, अच्छे सामान के लिए हम रिजवान भाई को खुद पैसे देंगे। ठीक है, मैं मजाक कर रहा था आपसे। चलिए, आपका नाम क्या है भाई? जी मेरा नाम मोहम्मद सलमान है। मोहम्मद सलमान, क्या बात है, नाम भी बहुत सही है भाई का। तो देखते हैं जो सलमान भाई बोल रहे हैं सच है या झूठ है, तो हम देखते हैं फिर।
तो हम लोग अपने खाने का वेट कर रहे थे, इतने में यहाँ पर एक भाई मिले हमें, दिलशाद भाई, जो कि चाहते हैं बहुत बुरी तरह से के वीडियो में कुछ बोलें। तो दिलशाद भाई आ जाइए आप। अपने अपनी फैमिली में लेके जाता हूँ सर मैं, और फैमिली वाले भी घर पे खाना बनता है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी कहते हैं कि रिजवानी भाई के वहाँ से लेके आओ खाना। तो आप मैरिड हैं, तो वाइफ के हाथ का खाना अच्छा लगता है? वाइफ के हाथ का खाना भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वाइफ फिर भी बोलती है कि रिजवान भाई के वहाँ से लेके आओ खाना। बहुत बढ़िया बात है, देखिए मजबूरी देखिए इनकी, मतलब रिजवान भाई के हाथ का खाना इनको बहुत टेस्टी लगता है, पर फिर भी वाइफ के हाथ के खाने की आपको तारीफ करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये ब्लॉग अगर गलती से भी उन्होंने देख लिया तो बाकी कोई बात नहीं है। अगर भाभी जी आप भी देख रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, आपके हाथ का खाना इनको बहुत पसंद है, पर रिजवान भाई के खाने की बात ही हो रहा है ना, बात ही हो रही है। क्या बात है, अच्छा चलो जी, बिरयानी और ये रोटी की अलग कहानी है, ये हम आपको बताएंगे अभी। और अभी हम सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि मैं बिरयानी टेस्ट करता हूँ, इसको हम रखते हैं साइड। तो ये है जी यहाँ की बिरयानी, ये मेरठ की बिरयानी है, ठीक है। तो ये है जी, देख लो, देखने में भी डिफरेंट है, जो हमने पहले जो बिरयानी के ऊपर जो ब्लॉग बनाया था उससे डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। और मैं ज़रा एक बार देख लेता हूँ, चिकन तोड़ के दिखा देता हूँ आपको कि ये कितना गला हुआ है, कितना क्या है। तो ये है जी, ठीक है, ये देख लीजिए, तो दिखने में तो बहुत टेंडर लग रहा है। अच्छा, खा के देखते हैं अभी इसको। चिकन प्रॉपर गला हुआ चिकन है, और उसको हम चावल के साथ खाते हैं। यार जो पहले बिरयानी थी ना, जिस पर हमने ब्लॉग बनाया था, उससे बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट है इसका, ठीक है। और चावल आप देख लो, मोटे चावल हैं, हल्के, और अलग अलग हैं, सब चावल अलग अलग हैं, ठीक है। एक्चुअली वो जो पहले बिरयानी खाई थी वो आई थी मुरादाबादी बिरयानी थी ना, वो मुरादाबादी बिरयानी थी। अच्छा, हल्की जो मुरादाबादी बिरयानी है वो या हैदराबादी बिरयानी है, हालांकि शायद ये कुक के ऊपर डिपेंड करता होगा, बट ये मुझे उनसे ये डिफरेंट लगा इसमें, ये हल्की स्पाइसी है। और बस इतना ही है यार, अगर आप बिरयानी पसंद करते हैं तो आ सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं इस बिरयानी को भी। अभी हम टेस्ट करेंगे। एक्चुअली सब कुछ हमने ना थोड़ा थोड़ा रखा हुआ है, ताकि खाना वेस्ट ना हो। हम लोगों को इतनी भूख भी नहीं थी, और ये हम दो लोगों के लिए काफ़ी है, लगेगा थोड़ा और ले लेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते यार खाना वेस्ट हो, इस चीज़ के हम सख्त खिलाफ हैं। तो जब भी हम व्लॉग बनाते हैं, हम इस चीज़ का खास ध्यान रखते हैं कि कोई भी खाना किसी भी तरह का वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो अभी ये है कबाब, तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं कबाब टेस्ट करके आपको बताता हूँ, ये मैं टेस्ट करके देता हूँ। वाह, अरे प्रॉपर कबाब का जो क्यों रहता है कि भूलने चाहिए, तो मुँह में प्रॉपर भूले हैं, प्रॉपर रोस्ट हो रखे हैं। ये देखिए, मैं दिखा देता हूँ आपको, अंदर से प्रॉपर पके हुए हैं, ठीक है, देख लीजिए। और तंदूरी जो चीज़ें खाते हैं ना हम लोग, तंदूरी चिकन हो गया, ये हो गया, इनका मज़ा तभी है भाई, कोई कोयले का टेस्ट आए जो कि इसमें आ रहा है। कबाब बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है, बिरयानी से टेस्टी मुझे कबाब लग रहा है।
अगर आप चाहते हैं एक डिफरेंट तरह की बिरयानी टेस्ट करना तो आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज कबाब बहुत अच्छे हैं। तो अब हम एक और तंदूरी आइटम तंदूरी चिकन को ट्राई करेंगे। ये देखिए, ये सबसे सही चीज़ होती है। ये देखो, ये देख रहे हो आप, ये जो चीज़ है ना, देखो ये देखो, प्रॉपर मसाला अंदर तक गया हुआ है, पका हुआ है, प्रॉपर कच्चा नहीं है कहीं से भी। बहुत सही। मैं नॉर्मली मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इसमें नींबू डाल लेता हूँ जो इसका स्वाद थोड़ा और बढ़ा देती है चीज़। जिसको पसंद है वो कर सकता है, जिसको नहीं पसंद है वो ना करे अपने हिसाब से। बट तंदूरी चिकन अगर आपको पसंद है तो शायद आपको ये भी पसंद होगी चीज़, क्योंकि हल्का सा ना खटास उसमें जब पड़ जाती है तो इसका मज़ा और बढ़ जाता है। इसके ऊपर से थोड़े से आ जाए प्याज। तो ये भी बहुत बढ़िया है भाई, आप आ सकते हैं, ये भी टेस्ट कर सकते हैं तंदूरी चिकन भी इनका, ठीक है। तो अब जो लास्ट में मैंने जानबूझ के इसको रखा था, तो ये तो अभी हम तवा चिकन ये ट्राई करने लगे थे। तो ये रोटी कुछ अलग है यार, रोटी डिफरेंट है, मतलब ये मैंने रोटी यहाँ पे खाई नहीं है अभी तक भी। अच्छा मुझे ये बताइए, बिरयानी अभी तक भी हमने यहाँ पे जो भी बिरयानी खाई है ना वो बिल्कुल डिफरेंट है, इसमें ये अलग कैसे बनती है? जैसे हैदराबादी बिरयानी या मुरादाबादी बिरयानी सबसे ज़्यादा यहाँ पे खाई जाती है, तो आप इसका बताइए ये आप किस तरह से बनाते हैं, तो उनसे डिफरेंट कैसे हो जाती है? डिफरेंट इसलिए हो जाती है जी, हम चावल को जो है ना जी पानी के अंदर पकाते हैं। अच्छा। हाँ जी, हम इसका चिकन पहले फ्राई करते हैं, फिर मसाले लगाते हैं, उसके बाद ऊपर से तैयार करके लगाते हैं हम सारी चीज़ें। अच्छा अच्छा, और उसमें कैसे करते हैं फिर? उसमें हम पहले ही मसाले भूनकर और पानी चढ़ाकर उसी में ही चावल डालने के बाद एडजस्ट करते हैं। अच्छा। हाँ जी। तो अच्छा, मैं खमीरी रोटी की बात भी कर रहा था। खमीरी रोटी तो देखो मैंने ऐसा नहीं है खाई नहीं, बट ये डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। ये डिफरेंट क्यों है? वही बोल, डिफरेंट इसलिए है जी, इसमें एक तो आपको मैदा अच्छी वाली लगाते हैं हम। अच्छा अच्छा। दूसरी बात, हम इसमें अंडा लगाते हैं। तीसरी बात, इसमें हम सूजी लगाते हैं। अच्छा। चौथी बात, हम इसमें दूध डालते हैं। हाँ। और नॉर्मली बनती है वो कैसे बनती है? जो नॉर्मल बनती है सिर्फ खाली मैदा ही मैदा की बनती है। खमीर रोटी तभी मैंने आपको बुलाया, आपने कहा खमीर रोटी, मैं कहा वो तो खाई हुई है फिर। बट ये हमारे पास बट खमीरी रोटी अलग ही होगी। जितना भी ये सब अभी तक खाया है ना, ये सब कुछ बहुत बहुत टेस्टी है। ये जो कुछ भी अभी तक हमने यहाँ पे खाया ना, ये सब कुछ बहुत टेस्टी है, और हम प्रे करेंगे कि आपकी दुकान और ज़्यादा तरक्की करें। अभी इसको सिर्फ 5 या 6 दिन हुए हैं, और आप शायद इसमें शॉर्ट लिया होगा कि भीड़ अच्छी खासी यहाँ पे आ रही है, अच्छे बहुत अच्छे चल रही है। तो आगे भी हम दुआ करेंगे कि और ज़्यादा तरक्की करें आप, बहुत टेस्टी है खाना। चलिए, थैंक यू। तो ये मोहसिन भाई थे जो कि थोड़े से नर्वस थे कैमरा को देख के, बट जो कुछ भी इन्होंने बताया हमें खमीरी रोटी के बारे में, एक्चुअली इस तरह की रोटी हमने अभी तक यहाँ पे खाई नहीं थी। तो इतना ही था आज के लिए। तो अब चैनल मेरा सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, वीडियो को शेयर करो। अगर आपके और कोई दोस्त हैं जो फूडी हैं, जो इस तरह की वीडियो को पसंद करते हैं, खाना देखना अच्छा लगता है, ठीक है। चलिए अब हम खाते हैं।